हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल की गोली पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहां पर एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहां पर निकल कर आई है, जिसमें यहां पर जो है सिविल इंजीनियर प्लस इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसियाँ रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप की वैकेंसियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में लगभग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे, फिर भी अगर आप इनके बारे में कुछ डिटेल इनकी जो भी यहाँ पर पूरा एरिया है वर्किंग का एंड किस तरह का इनका वर्क रहता है, जो भी यहाँ पर पूरा इनका पोर्टफोलियो है कंपनी का, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल में यहाँ पर दे रखा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर किसी को इसमें देखना हो। तो यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि 18 अगस्त को यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशन फॉरम सबमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, जो कि यहाँ पर 18 सितंबर 2023 तक चलेगी। तो लगभग आपके पास यहाँ पर जो है 1 मंथ का इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। तो जो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स है, इन डेट्स का यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके फटाफट से जाके जो है इसमें अप्लाई आप कर दें। तो अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसियों की। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पर 18 वैकेंसी है। एज की यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम जो एज है वो यहाँ पर 25 ईयर आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एंड यहाँ पर जो भी सिविल इंजीनियर्स है, इन सभी के लिए यहाँ पर जो है डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, जिसके लिए आप देख सकते हैं एज यहाँ पर 25 ईयर की मैक्सिमम एज यहाँ पर रहेगी इन सभी पोस्टों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो पे स्केल रहेगा वो यहाँ पर 1,60,000 का यहाँ पर आपकी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी इन सभी पोस्टों के लिए। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज आप अलग अलग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिकल्स के लिए 57 है, 16 यहाँ पर इलेक्ट्रिक वालों के लिए है, बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 36 है, सिविल इंजीनियर्स के लिए 18 हो गई, प्लस केमिकल जो है इंजीनियर्स उनके लिए 43 वैकेंसी यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर आगे भी अलग अलग टाइप की काफ़ी सारी वैकेंसियाँ इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की यहाँ पर पोस्ट है, इसके लिए 1,80,000 रुपये की सैलरी है। एज यहाँ पर 28 ईयर की मैक्सिमम रहेगी, साथ ही यहाँ पर जो है 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बाकी यहाँ पर जो अपनी पोस्ट थी सिविल इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर्स की, यहाँ पर किसी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो बाकी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाली यहाँ पर जो हायर लेवल की पोस्ट हैं, इनकी डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इस तरह से जो इन्होंने मांग रखी है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसके अंतर्गत आने वाले इन पोस्टों के लिए भी यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, जिनका जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। साथ ही यहाँ पर 1-1 पोस्ट एंड यहाँ पर जो अलग अलग आप देख सकते हैं, सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 28 ईयर मैक्सिमम है, साथ ही यहाँ पर जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए 31 की मैक्सिमम एज है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग से आपके पास डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पर जैसे कि दोनों पोस्टें थी तो 3 ईयर एंड 6 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो पोस्ट वाइज आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप इन पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला है तो। साथ यहाँ पर कुछ यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसियाँ भी है यहाँ पर आईटी वालों के लिए। तो यहाँ पर भी जो लोग एलिजिबल है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वही रेगुलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है, यानी कि बीटेक आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियरिंग, तो आप इन पोस्टों के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। तो ये पोस्टें यहाँ पर जो है इसके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, प्लस ये फिक्स टर्म बेस पर यहाँ पर रहने वाली है। इसी तरह से आप क्रमवाइज जो भी अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं उन सभी की जो है आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से। साथ ही यहाँ पर जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर फील्ड आते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग्स में यहाँ पर केमिकल पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनिंग आदि से संबंधित यहाँ पर हो गया। इस तरह से यहाँ पर मैकेनिकल के अंदर जो आ गए, इलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि आ गए, साथ ही इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर कौन कौन से आते हैं ये सारी डिटेलें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है।
साथ ही यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड जो मार्क है अलग अलग पोस्ट वाइज उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 50% एंड 60% मार्क यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। जो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है उसमें आपके यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल एक बार फिर यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये पोस्ट यहाँ पर दे रखे हैं सीनियर ऑफिसर सेल्स रिटेल के लिए। साथ ही यहाँ पर अपने जो ये जॉब करेंगे जॉब की यहाँ पर क्राइटेरिया एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सब की डिटेल भी यहां पर इन्होंने इन पोस्टों के लिए यहां पर दे रखी है। ये सब वही बेसिक सी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से रहते हैं जो लगभग यहाँ पर जॉबों में रहती है, जिसमें यहाँ पर एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आदि को कुछ यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। साथ यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर होने चाहिए। इसी तरह से बाकी की जो पोस्ट हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो भी यहाँ पर इन्होंने जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपीरियंस आदि दे रखे हैं उनको डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई अदर पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहा है तो। बाकी यहाँ पर जो अपनी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिक की पोस्ट है उसके लिए तो यहाँ पर कोई भी जो है एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने नहीं मांगा है, डायरेक्ट यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से यहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं जो भी यहाँ पर डिटेल इन्होंने दे रखी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर एंड शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर किस तरह से होगी उनके बारे में। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यानी कि सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जो रहेगा टोटल यहाँ पर मेथड एग्जाम का वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है जो अलग अलग पोस्ट हैं उसके हिसाब से कुछ एक यहाँ पर आपको बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक दो पॉइंट्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इन्होंने टेस्ट का यहाँ पर दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर एक बार जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद पूरी तरह से एलिजिबल यहाँ पर पाए जाते हैं सारे क्राइटेरिया के अंदर, तो उनका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो टेस्ट का यहाँ पर पैटर्न देखें तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव यहाँ पर होगा, जिसमें इन्होंने यहाँ पर दे रखा है जो लॉ ऑफिसर से इनके लिए सब्जेक्टिव होगा। बाकी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर टेस्ट होगा। यहाँ पर जो है टू पार्ट में यहाँ पर रहेंगे, दो भाग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज संबंधित क्वेश्चन होंगे। जिसमें पार्ट वन में जो जनरल एप्टीट्यूड है इसमें यहाँ पर जो है बेसिक से जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा से संबंधित यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो बेसिक से होते हैं। बाकी यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज है या आपकी डिग्री से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी टेस्ट की पैटर्न एंड सिलेबस की डिटेल रहती है वो जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी इनकी वेबसाइट पर, तो उसको जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप जो है एग्ज़ाम की इसमें तैयारी करेंगे तो तब आपको वो बहुत यहाँ पर काम आएगी। हाल फिलहाल इन्होंने अभी रिलीज अभी की नहीं है पूरी डिटेल। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे उनको फिर यहाँ पर अलग अलग जो भी यहाँ पर ग्रुप टास्क एंड यहाँ पर जो इंटरव्यू वगैरह इन्होंने दे रखा है इन सब के लिए यहाँ पर बुलाएंगे, और इन सभी के आधार पर जो है लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी जिससे यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो ईयरली यहाँ पर जो CTC टोटल यहाँ पर रहेगा वैकेंसियों के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारी यहाँ पर वैकेंसी थी उसके लिए यहाँ पर टोटल जो है लगभग 17 लाख का ईयरली यहाँ पर जो CTC आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो बता रखा है अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है कन्फर्मेशन जो भी यहाँ पर रहेगी उसमें कुछ एक यहाँ पर जो है डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप जो यहाँ पर ये देख सकते हैं सैलरी वगैरह जो भी यहाँ पर रहेगी, साथ ही यहाँ पर मेडिकल प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम यानी कि आप यहाँ पर पूरी तरह से फिट रहेंगे तो ही आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो उसका प्री मेडिकल एग्जाम भी यहाँ पर होगा जिसका क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आपको जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है यानी किस तरह से आप इसको लेना है। बाकी यहाँ पर जो भी बेसिक सी टर्म्स कंडीशन यहाँ पर प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग से संबंधित यहाँ पर जो भी चीज़ें जॉब के बाद के यहाँ पर काम की रहती है वो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। यहाँ साथ ही जो वैकेंसियाँ थी उनका जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो यहाँ पर वैकेंसियाँ निकाली गई है जितनी भी ऊपर सारी की सारी मिला के वैकेंसियाँ थी टोटल, ये उन सब का पूरा ओवरऑल ब्रेकअप है जिसमें ST SC OBC EWS एंड जनरल की पोस्टें आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो भी रिजर्व कैटेगरी वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर मिलने वाली जो भी छूट वगैरह मिलती है उन सबका क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी वाले जो यहाँ पर फॉर्म वगैरह सबमिट करेंगे उनका फॉर्मेट आपको एचपीसीएल की वेबसाइट पर यहाँ पर मिल जाएगा। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वहीं पर इनका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जो है आप इनको डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी यहाँ पर टर्म्स कंडीशन रहती है इन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्सों के लिए, साथ ही यहाँ पर जो एज में यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टर्म्स कंडीशन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो यहाँ पर सारा मिल जाएगा, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर ये किस तरह से एलिजिबल रहेंगे, अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी का यहाँ पर इन्होंने पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं इनमें से तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखकर और आप इसमें एलिजिबल है तो ही आप जो है आपकी फॉर्म यहाँ पर प्रोसेस करें जिस भी पोस्ट के लिए है। यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए जिस तरह का कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देख लें। एप्लीकेशन प्रोसेस की यहाँ पर बात करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से भी करियर सेक्शन में जाके करंट ओपनिंग में जाके डायरेक्ट जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का मेथड एंड प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी यहां पर ऑनलाइन रहेगी, तो ऑनलाइन मोड से आपको जाकर अप्लाई यहां पर करना है। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर रहती है जो भी सीबीटी की एंड जो इंटरव्यू वगैरह की जो वेन्यू यहाँ पर रहती है वो सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर टाइम से टाइम मिलती रहेगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात करें तो फीस यहाँ पर जो है एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को कोई भी यहाँ पर फीस नहीं देनी है। बाकी यहाँ पर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपये की फ़ीस प्लस जीएसटी एंड 180 रुपये यहाँ पर जो पेमेंट गेटवे चार्ज यहाँ पर लगभग इन्होंने बता रखा है वो यहाँ पर लगेगा। साथ ही आप जो है ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तब आप अलग अलग मोड से जो है आपकी फ़ीस का यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पर जो है एलिजिबल रहेंगे। लास्ट डेट यहाँ पर 18 सितंबर यहाँ पर रहने वाली है, ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट कर लें। इससे पहले पहले ही जो है आपको यहाँ पर जाकर अप्लाई आपको करना है। तो यहाँ पर जो मेन मेन चीज़ें थी उसकी हमने यहाँ पर बात करी। बाकी यहाँ पर कुछ भी अगर बेसिक सी टर्म्स कंडीशन से संबंधित कोई चीज़ें यहाँ पर छूट गई हो तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर और देख लें। साथ ही अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। और इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।